चाइना के प्रवासी भारतीय का पूरा परिवार चाइना में और वह इंदौर आकर कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाने पर इंदौर जिला प्रशासन एवं पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा परिजनों की गुहार के बाद उसका अंतिम संस्कार कराया गया। गौर करने वाली बात है कि चाइना के ही वुहान शहर से पूरे विश्व में कोरोना का वायरस फैला था और वहां भी कोरोना के वायरस ने काफी तबाही मचाई थी। यही वजह रही कि उसी चाइना के एक अप्रवासी का इंदौर में उपचार के दौरान कोरोना वायरस के चलते देहांत हो गया, जिसके बाद दिल्ली में रह रहे परिवार वालों ने बताया कि मृतक मनोज शर्मा के सभी परिवार के सदस्य चाइना में रहते हैं, इसलिए उसका अंतिम संस्कार इंदौर का जिला प्रशासन करा दे। इस पर पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने संज्ञान लिया और चाइना में रहने वाले मनोज शर्मा का अंतिम संस्कार इंदौर में करा दिया। सर्विस दे रहे हैं कोविड के जनता के लिए, इसमें हमारे वॉलंटियर का फोन आया था जिसमें उसको दिल्ली से कुछ फोन था, उनके द्वारा बताया गया कि मनोज शर्मा जी ने जो चाइना में जॉब करते थे उनका पूरा परिवार चाइना में है, यहाँ पे इंडिया किसी काम से आए होंगे और उनको कोविड हो गया था, इलाज के लिए अरविंदो में भर्ती थे, अरविंदो में उनकी इलाज के दौरान डेथ हो गई थी। तो परिजन के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि उनका अंतिम संस्कार विधिवत कर दिया जाए, क्योंकि उनका कोई भी इंदौर में नहीं है और इस कोविड के दौर में आने की स्थिति में भी नहीं है।